मेरे अंदर हिट कहता है, लेकिन बाद में जब पता चलता है कि इसमें कोई गाली अलाउड नहीं है, कोई नॉनवेज अलाउड नहीं है, कोई भी मीम अलाउड नहीं है, तो फिर मेरे दिमाग एकदम वो हो गया कि अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे अपने दिमाग को साफ करना शुरू किया। सबसे पहले तो मैंने सारे नॉनवेज कंटेंट हटाए, फिर उसके बाद में सारे नॉनवेज कंटेंट हटाए, फिर उसके बाद में सारी डबल मीनिंग बातें हटाई, फिर उसके बाद में गालियां हटाई मैंने। अब गालियां शुरू से ही मैं ऐसे काम करते आ रहा हूँ कि मैंने गालियां ही सुनी है तो मेरे को बहुत जोर आया गालियां हटाने, है ना। और जैसा कि आप देख सकते हो, इतना सब हटाने के बाद काफी लाइट हो चुका हूँ मैं। आप भी ऐसे लाइट हो सकते हो अगर आप जो इंस्टाग्राम है उसको चलाना बंद कर दो, क्योंकि सारी फसाद की जड़ तो इंस्टाग्राम ही है। और एक सेकंड, इंस्टाग्राम पे कोई नोटिफिकेशन आया है जिसमें किसी मेरे ही दोस्त ने एक रील भेजी है जिसका टाइटल है कि पापा में छोटी से बड़ी हो गई, है ना। और जैसे यहाँ पे एक इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, सारे बहुत उत्साहित है, वैसे ही अपने कॉलेज जैसा ही एक फेस्ट होता है एम्स दिल्ली में पल्स के नाम से, तो वहाँ पे हम सारे दोस्त गए थे। हम 5-6 दोस्त से आगे से भी दोस्त आए, उनके साथ उनकी लड़कियाँ भी थी, हमारे साथ भी हमारे दोस्त ही थे, है ना। तो जब उस लड़की से बातचीत होती है, वो पूछती है कि आपका नाम क्या है, बेज पूछती है, तो मैंने बताया कि मैं 21 बेज से हूँ, तो उस लड़की का रिएक्शन जस्ट लाइक ओ वाओ, वी आर जस्ट लाइक बैचमेट। उसका ऐसा रिएक्शन देख के मेरे दिमाग में चलने लगा, इतनी खुश तो मेरी मम्मी भी नहीं हुई थी जब मैं सेलेक्ट हुआ था। मेरी मम्मी भी इसलिए खुश थी कि चलो सही है, अब लड़के की शादी तो हो ही जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे शादी कई बार 12 साल 15 साल 16 साल की उम्र में भी हो जाती है, और मैं 22 साल का हो चुका हूँ, है ना। और जैसे आजकल क्या होता है, रिलेशनशिप बहुत कॉमन है। और एक चीज मैंने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में आने के बाद ऑब्जर्व करी है कि जैसे आप मेरे हाथ को ऑब्जर्व करना, जैसा मेरा ये हाथ है, अब देखो चुटकी बजी, कम टाइम के लिए बजी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में किसी ना किसी मेडिको का दिल टूटा है इतने से कम टाइम में। किसी ना किसी मेडिको का दिल टूटा है, लेकिन मेरा केस एकदम अलग है। आप प्लीज कोई ऑफेंड मत होना, है ना, आपकी बात नहीं कर रहा मैं। मेरा केस अलग है एकदम। मेरा केस ये है कि जब मैं उस लड़की से बातचीत कर रहा था, फोन पे चैटिंग हो रही थी, तो मेरे बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चल रहा था, और वो गाना था धीरे धीरे से काट रही है। लेकिन मुझे वो गाना सुनाई नहीं दे रहा, मुझे वो गाना बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। लोग प्यार में अंधे होते हैं, तुम्हारा भाई बहरा हो गया है, उसको वो गाना ही सुनाई नहीं दे रहा। और ऐसी ही जब रिलेशनशिप चलती है, बातें चलती है, तो लोगों के दिमाग में शायरी आने लगती है, गजल आने लगती है, कविता आने लगती है, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा माइंड एकदम स्लो हो गया था। तो मैं इंस्टाग्राम पे देखने लगा, हाँ वो वाला इंस्टाग्राम है ना, उस पर देखने लगा कि कोई शायरी कोई गजल, तो उसमें एक बड़ी अच्छी शायरी किसी ने लिखी है कि एक लड़की इसलिए शादी करती है ताकि तारीफ करने के लिए कोई लड़का मिल जाए, और एक लड़का इसलिए शादी करता है कि बिना तारीफ किए उसे कोई लड़की मिल जाए, है ना। लेकिन किसी ने सच कहा है कि घर को जन्नत बनाने के लिए शादी जरूरी है, लेकिन मेरा दोस्त राजू कहता है, हाँ राजू के लिए ये बातें बनती है, क्योंकि राजू मेरी लाइन में एक ऐसी शख्सियत है जिसको ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान है। उसको आप कुछ भी पूछ लो, कुछ भी मतलब कुछ भी, राजू को पूछ लो कि राजू भैया दूध फट गया है सिलना कैसे, बता देगा।
उसको पूछो कि जुराब पहन लिए, वो जूते पहन लिए, अब ऊपर जुराब कैसे पहनना है बता देगा। उसको पूछ लो लाइट चली गई है, मोबाइल चार्ज कैसे करना है बता देगा। ऐसे ही वो इसमें भी अपना कुछ ज्ञान देना चाहता है। और ये शायद ही मेरे स्टैंड अप की लास्ट लाइन होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी आप सब लोग इतने उत्साह से ताली बजा रहे थे, वैसे इस कविता, इस शायरी के लास्ट लाइन पे आप लोग अपनी छाती बजाने लग जाओ। तो मेरी स्टैंड अप की ये शायरी की लास्ट लाइन शायरी ये है कि कोई लड़की इसलिए शादी करती है कि तारीफ करने के लिए कोई लड़का मिल जाए, और कोई लड़का इसलिए शादी करता है कि बिना तारीफ किए उसे कोई लड़की मिल जाए। हाँ ये सच है कि घर को जन्नत बनाने के लिए शादी जरूरी है, लेकिन मेरा दोस्त राजू कहता है कि जन्नत के लिए मरना जरूरी है। थैंक यू टू ऑल।